हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और आज हम पढ़ने वाले हैं बजट लाइन क्या है। और क्लास 11th इकोनॉमिक्स में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत कुछ। ये लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक हम बोल सकते हैं बजट लाइन। तो शुरुआत करते हैं, क्या है बजट लाइन। हेलो गाइस, तो बातचीत करते हैं बजट लाइन क्या है। बजट लाइन जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप टू गुड्स बीच ए कंज्यूमर कैन बाय फ्रॉम हिज इंटायर इनकम। तो बजट लाइन जो है, आपके पास कोई पर्टिकुलर इनकम है, कंज्यूमर के पास जो इनकम है उससे मान लीजिए वो कोई दो गुड्स परचेस कर रहा है, दो गुड्स कोई भी परचेस कर रहा है, तो उससे कितने कॉम्बिनेशन वो परचेस कर सकता है, कितने बंडल्स वो परचेस कर सकता है। उस बंडल को यदि हमें ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें तो उसको हम बोलेंगे बजट लाइन। उसको हमें एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे बजट शेड्यूल। ठीक, तो बजट लाइन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन बाय विथ हिज इनकम या बाय विथ हिज एंटायर इनकम। ठीक, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दे रहा हूं। मान लेते हैं कि एक कोई कंज्यूमर है, इसके पास जो है 100 रुपीज है। कितने रुपीज है? 100 रुपीज। 100 रुपये उसके पास है। दो गुड्स है, एक एक्स है और दूसरी वाई है ना। आप कुछ भी मान लो, एप्पल है, बनाना है आप मान लो, और इनकी प्राइस जो है, एक की प्राइस 20 रुपीज है, एक की प्राइस जो है वो 10 रुपीज है। तो हम कितने बंडल्स जो है हम परचेस कर पाएंगे या कितने कॉम्बिनेशन जो है वो बन पाएंगे। देखिए कॉम्बिनेशन कितने बन पाएंगे, मान लेते हैं कि हम जो है ये परचेस कर ही नहीं रहे, तो हम जो है कितने परचेस, ये कितने बंडल ले पाएंगे, मतलब या कितने यूनिट खरीद पाएंगे वाई की 10, क्योंकि ये इसको हम देखें तो ये तो हम खरीदें तो 0 का 0 हो गया और 10 × 10 किया तो 100 रुपीज हो गया। ठीक, मान लेते हैं कि हम इसका जैसे हम इसको बढ़ाते हैं, मान लीजिए हमने इसको बढ़ाया तो 20 रुपये खर्च हो गए, बचे कितने 80 रुपये। 80 रुपये बचे यानी कि हम बाकी कितनी ले पाएंगे, अब ये हम 8 ही खरीद पाएंगे। ठीक, ये हम 1 × 20 हुआ प्लस क्या हो गया आपका 8 × 10 हो गया, तो ये 20 और 80 कितना हो गया, 100 रुपीज हो गया। ठीक, फिर हम यदि आगे बढ़ते हैं तो आगे देखें, आप जैसे आपने बढ़ाया इसको 2 किया, जैसे आपने इसको 2 किया तो 2 करते से ही ये कितना हो गया, इसका आपका हो गया 2 × 10 आप कर दिया तो हो गया ये 20 रुपीज, सॉरी 2 × 20 करें तो 40 रुपीज हो गया, बचा कितना आपके पास 60। तो ये आप कितने खरीद पाएंगे, ये आप 6 ही खरीद पाएंगे, तो 6 × 10 यानी कि आपके 100 रुपीज अब भी खर्च हो रहे हैं। ठीक, तो इस टाइप के कुछ बंडल बन पाएंगे, जैसे पहला ये कॉम्बिनेशन बन गया, दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया, तीसरा कॉम्बिनेशन, इसी टाइप से एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है, फिर और कॉम्बिनेशन बन सकता है, और बन सकता है, मतलब हम इसके जो है यूनिट हम बढ़ाते जा रहे हैं तो इसकी यूनिट ऑब्वियस सी बात है कम होगी। ये 10 है, 8 है, 6 हो जाए, 6 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 2 हो जाना चाहिए, 2 के बाद जो है ये 0 हो जाना चाहिए, राइट है। क्योंकि जैसे हमने 3 परचेस किया तो हमारे पास कितना खर्च हो गया, 3 परचेस किया तो 3 × 20 किया तो 60 रुपीज खर्च हो गया, बचा कितना 40 रुपीज बचा, तो 4 × 10 हम कर देंगे, ये हो गया 100 रुपीज। इसी टाइप से यदि आप इसको देखेंगे तो 4 × 20 किया तो 80 रुपीज खर्च हो गया आपका, बचा कितना, बचा आपका 2 × 10 तो 20 रुपीज, तो ये हो गया 100 रुपीज। इसी टाइप से इधर 5 × 20 हो गया, तो इधर हम क्या कर पाएंगे, इधर हम जो है इधर हम 0 ही खरीद पाएंगे। ठीक, यानी कि हम सिर्फ 5 यूनिट इसकी खरीद पाएंगे। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस आपके पास बन गए, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कॉम्बिनेशन आपके पास बन गए। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन को यदि आप हम एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे बजट लाइन। अब आपने ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें, देखा आप 0 पे 10 है तो 0 पे 10 हो गया, चलो ठीक है। फिर 1 पर 8 है तो 1 पर मैंने 8 पे टिक लगाया, 2 पे 6 है, 2 पे मैंने 6 पे टिक लगाया, फिर 3 पे 4 है तो 3 पे मैंने 4 पे टिक लगाया, फिर 4 पर जो है 2 है, 4 पर 2 है, 4 पर 2 पे टिक लगाया, 5 पर 0 है तो 5 पर 0 पे मैंने टिक लगाया। मतलब कुछ एक स्ट्रेट लाइन टाइप की, मोटे मोटे तौर पर आप एक कॉपी बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगी वो, तो एक लाइन बनेगी। इस लाइन को हम बोलेंगे, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे बजट लाइन। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट
जो है सेट्स को या जो है कॉम्बिनेशन को या बंडल को रिप्रेजेंट कर रही है ए। फिर यदि आप देखें तो ये बी ए, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ हो गया। ठीक, बी से मतलब मेरा मतलब ये हुआ कि 8 यूनिट इसकी वाई की, तो जो है आपकी 2 यूनिट जो है वो, 2 यूनिट जो है वो हो गई आपकी लगभग, 2 यूनिट जो है वो एक्स की होगी। ठीक, तो ये है आपका बजट शेड्यूल और ये रहा आपका बजट लाइन। अब बात करते हैं इसमें हम पी एक्स अपॉन पी वाई की, यानी कि इसके जो आप कह के रेशियो की हम बात करें। अब देखिए इसमें इसके अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि बजट लाइन स्ट्रेट ही क्यों है। अब भाई बजट लाइन स्ट्रेट क्यों है? बजट लाइन स्ट्रेट इसलिए है क्योंकि जो इनके सेक्रीफाइस और गेन करने का जो गेन का जो रेशियो है वो रेशियो क्या है? कॉन्स्टेंट है। और रेशियो यदि कॉन्स्टेंट रहेगा तो जो भी हम कोई भी कर्व बनाएंगे तो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, दूसरा यह है कि स्लोप डाउनवर्ड्स, ये स्लोप डाउनवर्ड्स जो है, ये स्लोप डाउनवर्ड ही क्यों जा रहा है? ये स्लोप ऐसा ही क्यों जा रहा है? स्लोप ऐसा क्यों नहीं जा रहा है? या स्लोप ऐसा क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है? तो ये डाउनवर्ड हो रहा है, इट मीन्स क्या? डाउनवर्ड कब जाता है? जब एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ घटती है, यानी कि जब किसी चीज़ में नेगेटिव रिलेशनशिप हो तो डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि हम एक का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का कंजम्पशन हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। यदि हम एक ज़्यादा खरीदेंगे तो दूसरे को हम कम खरीदना पड़ेगा। तो दोनों में क्या रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। इस वजह से जो है यह स्लोप डाउनवर्ड है। अब इसके अलावा हम एक और चीज़ हमें देखने को यह मिल रही है जिसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ बजट लाइन। इसको हम क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब स्लोप ऑफ बजट लाइन किसको बोलेंगे? स्लोप ऑफ बजट लाइन बोलेंगे हम चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब चेंज इन वाई आप देखें कितना चेंजेस आ रहा है, 2 का चेंज आया। मैं चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए आप पहले 10 यूनिट आप खरीदे थे, अब 2 8 खरीद पा रहे, मतलब 2 आप खरीद पा रहे हैं। फिर जो है फिर वापस 2 का चेंजेस आया, फिर वापस 2 का चेंज आ रहा है, फिर वापस 2 का चेंज आ रहा है, फिर वापस 2 का चेंज आ रहा है। और यहाँ पर आप देखें तो 1 का चेंज है, 1 का चेंज है, 1 चेंज का चेंज है, 1 का चेंज है, 1 का चेंज है। यानी कि यदि आप इनका रेशियो निकाले तो रेशियो क्या आ रहा है? रेशियो आ रहा है 2:1, 2:1, 2:1, 2:1 और 2:1। ये इनका रेशियो आ रहा है। ये जो रेशियो आ रहा है इस रेशियो को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ बजट लाइन। और चूंकि ये रेशियो जो है ये कांस्टेंट है, एक जैसा है, इसी वजह से ये लाइन जो है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इसके अलावा एक लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी आपको दे रखी कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी कि जो प्राइस का रेशियो होता है वही रेशियो जो है स्लोप ऑफ बजट लाइन का रेशियो होता है। जैसे आप प्राइस का रेशियो निकाल लें, इनका इनका प्राइस का रेशियो क्या है? ये रहा 20/10। तो प्राइस का रेशियो क्या है इनका? प्राइस का रेशियो भी 2:1 है और स्लोप ऑफ बजट लाइन भी क्या है? 2:1 है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि बजट लाइन क्या है। बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक गिवन इनकम में कंज्यूमर किसी दो कमोडिटीज के कितने बंडल जो है वो परचेस कर सकता है, उसके कॉम्बिनेशन के, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ठीक, बजट शेड्यूल क्या है? बजट शेड्यूल इसी बात को, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है दो गुड से हम खरीद रहे हैं तो उसका जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है उसको हम बजट शेड्यूल बोलेंगे। स्लोप ऑफ बजट लाइन कितना है? स्लोप ऑफ बजट लाइन मीन्स वॉट? स्लोप ऑफ बजट लाइन इट मीन्स कि रेशियो है जो आपको बताएगा कि एक यूनिट को गेन करने के लिए, एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए दूसरे को कितना हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक, एक को पाने के लिए दूसरे को कितना खोना पड़ रहा है, उसका जो रेशियो है उसका नाम है स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि बजट लाइन क्या है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने को मिलेगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है पिछले दो वीडियो से, यानी कि इंडिफरेंस कर्व के बारे में हमने पढ़ा है। इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, इंडिफरेंस कर्व इस टाइप का बनता है ना, और बजट लाइन। अब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व मिलकर के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विथ ऑर्डिनल अप्रोच, है ना, कार्डिनल तो हम पढ़ चुके हैं, विथ ऑर्डिनल अप्रोच जो है उसके थ्रू आप पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको बजट लाइन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, साथ ही आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है।
आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।